माय डियर फ्रेंड, आप वीडियो पे देख पा रहा है क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा देर तक नहीं दे पाऊँगा। ये बिल्कुल हार्ट रिलेटेड मेडिसिन है। जो हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन होता है उन्हीं के लिए ये टैबलेट यूज़ किया जाता है। और स्टार्टिंग 5 mg टैबलेट ट्वाइस इन ए डे, जिसका हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन है उसी के लिए ये। देखो, हार्ट अटैक एंड हार्ट स्ट्रोक, जिसका ब्लड प्रेशर लोअरिंग नहीं हो रहा है, तो दोस्तों और हार्ट रिलेटेड उसका चेस्ट पेन होता है, ये टैबलेट आपको सुबह शाम 5 mg देना पड़ेगा। और एडवाइस बाय डॉक्टर और फार्मासिस्ट है, मेडिसिन डोजेस में भी इंक्रीज ट्वाइस इन ए डे 5 mg और 10 mg के या 20 mg, मैक्सिमम 40 mg का ऊपर नहीं दिया जाता है। तो 5 mg इनिशियली सुबह और मॉर्निंग एंड इवनिंग आप ले सकता है। जिसका हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन होगा तो उसी के लिए हार्ट अटैक से आप अवॉइड रहोगे, हार्ट अटैक हार्ट स्ट्रोक नहीं होगा। सो दोस्तों, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड चेस्ट रिलेटेड चेस्ट पेन के लिए आप ये टैबलेट सुबह एक शाम को एक 5 mg लेगा। और कोई डॉक्टर अगर 10 mg 20 mg डोजेस दिया तो गलत नहीं होगा। डॉक्टर जो देता है एज पर कंडीशन, पेशेंट कंडीशन देख के ही देता है, इसमें कोई गलती नहीं है। मगर आपको स्टार्टिंग डोज मेरे ख्याल से 5 mg सुबह 5 mg शाम को लेने से सबसे बेस्ट रहेंगे। लोअर डोजेस सबसे बेस्ट रहते हैं हार्ट चेस्ट पेन के लिए। सो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं लिख के देता हूँ इस पर। थैंक धन्यवाद।